अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और यकीनन ईद को एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आपने टाइटल तो देख लिया होगा। अच्छा, मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब तो हर घर में बनते हैं, लाजमी होते हैं, आम दिनों में भी बनते हैं और ईद पर तो स्पेशली बना के रखते हैं कि मेहमान आते हैं तो फटाफट हम उनको फ्राई करके मेहमानों करके सर्व कर देते हैं। अच्छा, मैं जो शामी कबाब बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ रेशे वाले। अब आप बाज़ लोग सोचते हैं किस तरीके से हम रेशे वाले शामी कबाब बनाएं कि वो हम जब खाते हैं तो उसका जो एक रेशा आता है ना, लंबा लंबा खींचता है, वो रेशा है। तो आज मैं शामी कबाब चढ़ा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ अपने कबाब की रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा, एक शामी कबाब की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पर दी हुई है, उस पर मैंने कोयले की धुनी दी थी तो वो भी ज़रूर वो देखिएगा आप। अब मैं आपको ये बता दूँ ये वाले शामी कबाब की रेसिपी। अब ये अब मैं आपको कबाब के सारे मसाले बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डालूँगी। अच्छा जी, गोश्त मेरा है लंबा लंबा कटा हुआ, लंबाई में जो गोश्त कटा हुआ होता है उसके कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं और कभी भी आप कीमे के कबाब ना बनाएं उसके अच्छे नहीं बनते। अच्छा जी, इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं और 10-12 लौंगे हैं, 15 के करीब काली मिर्च हैं और 10-12 के करीब ये लौंगी मिर्चें हैं, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, अदरक लहसुन साबुत है, हरी मिर्ची हैं 5-6 अदद और 2 बड़ी प्याज है। ये सब काट के मैं इसके अंदर डालूंगी। शामी कबाब में कभी भी पीसे हुए मसाले आप ना डालें, हमेशा आप साबुत मसाले ऐड करें। अब मैं इन सबको चढ़ाती हूँ और दाल में कभी भी साथ में ऐड नहीं करती, जब मेरा मसाला पक जाता है उसके बाद मैं दाल डालती हूँ और आप देखिएगा मैं किस टाइम दाल डालती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक अहम सी टिप दूंगी। ये जो लहसुन का डंठल होता है, बीज का हिस्सा होता है, हम इसको फेंक देते हैं, हम इसको कोई शामिल ही नहीं करते, कोई चीज़ भी है कचरे में डाल देते हैं। अगर आप बड़े का गोश्त बना रहे हैं या भले बकरे का आपको जल्दी गलाना हो तो आप क्या करें, इसको गोश्त के अंदर डाल दें, इससे भी हमारा गोश्त जल्दी गल जाता है। अब मैं इसमें हिसाब से पानी ऐड करूंगी और मैं इसको चढ़ा दूंगी चूल्हे के ऊपर। अच्छा, नमक मैंने अभी इसके अंदर नहीं डाला है, नमक मैं इसके अंदर डालूंगी बाद में। अच्छा, अब ये देखें मैंने गोश्त को चूल्हे पर चढ़ा दिया है और मेरा गोश्त पकना स्टार्ट हो गया है। अब ये गोश्त पकने में 2 घंटे ले, 2.5 घंटे ले या 1.5 घंटा ले, जितना भी टाइम लगता है, मुझे गोश्त को इस कदर अच्छे तरीके से गलाना है कि जब मैं हाथ से तोड़ूं तो उसका रेशा रेशा अलग हो जाए। इतना मैं पकाती हूँ, ढक्कन में ढक देती हूँ। मिलते हैं गोश्त को गलने के बाद। वाह, गोश्त देखें, ये तकरीबन 2 घंटे तक पका है गोश्त इसका बिल्कुल। ये देखें पानी खुश्क हो गया और मैं आपको तोड़ के दिखाते हूँ गोश्त को। ये देखें किस कदर आसानी से साथ गोश्त गल गया। अच्छा, मैं जो शामी कबाब बनाती हूँ मैं इसी तरीके के बनाती हूँ कि मेरा गोश्त तकरीबन इतना गल जाता है, उसके बाद मैं इसके अंदर चने की दाल डालती हूँ। अब ये है चने की दाल, 1/2 किलो मैंने भिगो दिए, यानी 1 किलो गोश्त में हमें 1 पाव चने की दाल डालनी है, 2 किलो गोश्त में 1/2 किलो डालनी है। ये मैंने 2 घंटे पहले चने की दाल भिगो दी थी और ये देखिए किस कदर ये सॉफ्ट हो गई, इसको देखिए हाथ से टूट रही, इस कदर ये सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसका पानी फेंक दूंगी सारा और फिर ये दाल मैं इसके अंदर गोश्त के अंदर डाल दूंगी अपने। अब आप ये देखें चने की दाल और हमारा गोश्त अच्छे तरीके से पक गया है, पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। ये देखें दाल टूट रही है ना, जैसे दाल टूट रही है हमारी, नरम हो रही है। और अच्छा, मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया था, अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक 2 चम्मचे, फिर अगर नमक कम होगा तो मैं इसमें और डाल दूँगी। अभी मैंने डाले इसमें सिर्फ 2 चम्मचे नमक के। अब मैं इसको देखें हल्की आंच पे, बिल्कुल दम की आंच पे इसको मैं रख दूंगी 10 मिनट के लिए।
अच्छा, अब ये जो मेरा मसाला था थोड़ा ठंडा हो गया। अभी ये जो आप कुंडा नहीं होता जिसे हम मसाला पीसते हैं लकड़ी वाला, ये आपको लेना है इस तरीके का, और आपको इससे अपना मसाला पीसना है। क्योंकि चने की दाल भी हमारी गली हुई है, गोश्त भी हमारा फुल गला हुआ है, तो इससे कूटने से क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त सा हमारा मसाला जो है ना मिक्स होकर बहुत ज़बरदस्त सा गल जाएगा। और ये देखिए, इसमें जितने भी साबुत अदरक के पीस थे और जो गरम मसाला था और कोई हड्डी वड्डी है, वो सब हम निकाल लेंगे पहले से, ताकि वो हमारे मसाले में परेशानी ना हो। और हड्डियाँ लाजमी, आप अगर हड्डी वाला गोश्त आप यूज़ करें कबाब में साथ में, तो हड्डियाँ लाजमी निकाल लीजिएगा। ये देखिए, शामी कबाब का सारा मसाला मैंने पीस लिया है। आप चाहें तो इसको भगोने में ही पीस लें, या इस तरीके का खुला स्टील का थाल होता है वो, कोई स्टील का खुला बर्तन लें, उसमें आप इस तरीके से मारेंगे तो आपका सारे के सारा मसाला अच्छी तरीके से पिस जाएगा। अब मैं इसमें नमक मिर्च टेस्ट करूंगी, और इसमें जो ऊपर से हम मसाले डालते हैं कच्चे, वो मैं मसाले ऐड करूंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या मसाले ऐड करती हूँ। कबाब का सारा मसाला हमने अच्छे तरीके से पीस लिया। अब ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त से इसके रेशे बने। अब ये देखिए, आपको नज़र आ रहे हैं ये रेशे, कैसे ज़बरदस्त से इसके रेशे तैयार हुए हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या ऐड करती हूँ इसके अंदर। सबसे पहले तो ये है हरा धनिया कटा हुआ, अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है, ताज़ा हरा धनिया है। अगर आपके पास ताज़ा नहीं है तो आप घर में सुखा के रखते तो वो भी डाल सकते हैं। और ये कुटी हुई लाल मिर्च 2 चमचे के करीब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा, आप अपने मसाले में जितने आप नमक मिर्च खाते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। और ये नमक है, नमक भी थोड़ा सा कम था तो मैं नमक और डाल रही हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसमें 1 चमचा नमक ऐड कर रही हूँ, फिर अगर कोई कमी बेशी होगी मसाले में तो हम चेक करके बता देंगे, हम और डाल देंगे। और ये है 5 हरी मिर्चें, और ये है अदरक। अदरक के देखिए मैंने इसके ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अदरक को अब मैं कश करके डालूंगी, आप देखिएगा मैं किस तरीके से कश करती हूँ। और ये 2 अंडे हैं, अंडे ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अंडे तोड़ लेते हैं पहले। अच्छा, अंडे तोड़ के चेक करके डालिएगा कहीं खराब ना निकल आए। अब ये है हमारा कश करने वाला, जिसे हम ताज़ा कद्दूकश करेंगे इनको। आप कोशिश करें पिसी हुई जो चीज़ें रखी हुई होती है वो ना डालें, आप ताज़ा उसी वक्त जो पीस के डालते हैं उसका जायका भी ज़्यादा अच्छा होता है और वो फायदे वाली भी बहुत ज़्यादा होती है। अब ये इसके अंदर आ रहा है, आपके पास ये नहीं है तो आप चॉपर में किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, हाथ से पीसने वाला होता है कूटने वाला उससे कर सकते हैं, ये मेरे पास है तो मैं इससे करती हूँ। अच्छा देखिए, हरी मिर्चों को भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब हम इनको अपने इस कद्दूकस से, बारीक कद्दूकस से हम इसे पीसेंगे। अब ये देखिए, सारा जितनी भी अदरक थी और धनिया कह रही हरी मिर्चें थी, हमने अच्छे तरीके से बारीक पीस लिए। किस कदर अच्छे तरीके से बारीक हुई, आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, मगर इसका जो फ्लेवर आता है ना अदरक का और हरी मिर्चों का, बहुत ज़्यादा उठकर आता है, बहुत मज़े का लगता है। चले जी, अब हम इसको अपने मसाले में ऐड करते हैं। अब ये जो है ये सब हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, आप चाहें तो ग्लव्स वगैरह पे भी पहन सकते हैं, मगर मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता तो मैं ऐसे ही अपने हाथों से करती हूँ अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से हमें मिलाना है। सारी चीजें अच्छे तरीके से हमारे कबाबों के मसाले में मिक्स हो गई है। नमक मिर्च भी सही है, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, जितना आपके घर में पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालिएगा। अब मैं इनकी टिक्किया बनाती हूँ, कुछ इसमें से हम अभी तलेंगे, कुछ हम इसको फ्रीज कर देंगे। मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी बताऊंगी कि मैं किस तरीके से फ्रीज करती हूँ।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग किस तरीके से फ्रीज करते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरा फ्रीज करने का तरीका ज़रूर पसंद आया होगा। चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, उसके अंदर ऑयल डाल के अब हम इसको अपने शैलो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, अगर आप इसको फ्रीज़र के कबाब को निकाल के गर्म करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि फ्रीज़र के कबाब को ऑयल थोड़ा गर्म हो, पर चूल्हा तेज़ नहीं होना, चूल्हा बिल्कुल स्लो सा होना चाहिए, और उसके बाद आप कबाब रखे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। जब कबाब आपके बिल्कुल नरम हो जाएंगे, उसकी जो फ्रीज़र की ठंड होगी वो उसमें से निकल जाएगी, फिर आप उसको थोड़ी सी आँच बढ़ा के जिस तरीके से आप शामी तलते हैं उस तरीके से तल लीजिएगा। क्योंकि अगर आप तेज़ आँच पर शामी तलेंगे फ्रीज़र वाले तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और सख्त रह जाएंगे, अंदर से नहीं अच्छे तरीके से पकेंगे। अच्छा, आँच अभी भी मैंने बहुत तेज़ नहीं रखी है, देखें, क्योंकि तेज़ आँच पे क्या होता है, शामी तो हम तल लेंगे लेकिन वो एकदम उस पर जो क्रिस्पीनेस आती है ना, क्रिस्पी से क्रंची से कबाब बनते हैं वो नहीं बनेंगे, तो वो हल्की आँच पर ही बनते हैं। चलो जी, मेरे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं, मैंने फ्राई कर लिए हैं, किस कदर प्यारा सा इनका कलर आया है। मुझे यकीन है आपको मेरे शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अजय, शामी कबाब के साथ मैंने तीन डिप्स रखी हैं, एक हरी चटनी है जो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, और एक है केचप है जो हम बाज़ार से रेडीमेड लिया हुआ है, और तीसरी है मियो गार्लिक सॉस की, ये भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। इन तीनों के साथ जो आपको पसंद हो आप इन कबाब को एंजॉय करें, और आप इन चटनियों के साथ बर्गर बनाएं या ब्रेड के अंदर लगा के खाएं तब भी बहुत ज़बरदस्त से ये कबाब लगते हैं। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अच्छा से कोई कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ बनाकर लेकर आती रहूं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी न्यू रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।